हरियाणा में विधानसभा चुनाव के रण के लिए सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां जनता तक सही और सटीक तरीके से पहुंचे, इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली के हरियाणा भवन में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। कुल मिलाकर के हमारा ये एक पहली पारी हमारी 5 साल की पूर्ण होने जा रही है और अगली पारी के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी में आपका कितना सहयोग होगा, कितना योगदान होगा, वो मैं समझता हूँ कि अगर निष्पक्षता से भी आप लिखते रहें और जो ठीक है उसी को आगे बढ़ाते रहेंगे तो बहुत बड़ा सहयोग हमारा हो जाएगा। इससे ज़्यादा फेवर हम चाहते भी नहीं। चौथे स्तंभ की अहमियत को समझते हुए ही मनोहर लाल ने हरियाणा भवन में 41,75,000 रुपयों की लागत से बने इस मीडिया भवन में पत्रकारों की सारी सहूलियतों का ध्यान रखा है। एयर कंडीशन रूम में टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, वाईफाई समेत सारी सुविधाएं हैं। मीडिया के बिना हम जान भी नहीं सकते हैं एक दूसरे के बारे में, अपने बारे में भी नहीं जान सकते कि हमारे बारे में कोई बात अच्छी है या खराब है। तो आप लोगों का जो सहयोग मिलता है, जैसे विपक्षी पार्टी के नाते से है तो हमको आलोचना का वो झेलना ही पड़ता है, लेकिन मीडिया का एक लाभ ये होता है कि उसमें चाहे विपक्ष है चाहे पक्ष है दोनों तरह की बातें आती हैं। हमारी अच्छी बातें भी आप लोग समाज तक पहुँचाते हैं और कोई खराब बात होती है वो भी पहुँचाते हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि मीडिया कर्मियों को ध्यान में रखकर सूबे में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत करीब 125 पत्रकारों को पेंशन भी दी जा रही है। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी इस चुनाव में 75 पार का नारा दे रही है, जिसको लेकर बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।